स्वर तान सेन साधे मंगल अति मंगल स्वर तान सेन साधे वीणा तांबुर मृदंग वीणा तांबुर मृदंग नाद ब्रह्म काजे शुभ दिन आयो रे दरबार में शुभ दिन आयो मियाँ जी आइए हकीम साहब, कहिए, हमारी बेगम तो खैरियत से है ना? अब ऐसे तश्वीशनाक लम्हों में मैं क्या कहूं मियाँ जी, बस इतना कह सकता हूं कि हमारी पुरजोर कोशिशों से बेगम साहबा फिल वक्त खतरे से बाहर तो हैं, लेकिन 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 क्या हकीम साहब? उनकी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए यह मान लेना मुनासिब नहीं होगा कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। काफी हद तक संभल जाने के बावजूद हालात अभी तक नाजुक हैं। लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है हकीम साहब कि अगर ऊपर वाली कृपा रही तो हमारी बेगम साहिबा को कुछ भी ना होगा और हमारी उम्मीदों का सितारा वो नन्ना मुन्ना कलाकार इस दुनिया में अवश्य जन्म लेगा। आखिर हमारी प्रार्थनाओं का कुछ देना तो उस पर भी निकलता ही होगा हकीम साहब। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह करे आपकी सारी दुआएं कबूल हों। मियाँ जी मजलिस जाने का वक्त हो चुका है और जनाब की सवारी भी तैयार है। अच्छा तो हकीम साहब, हमारा शाही मजलिस जाने का समय हो गया है जी, अब हमें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आजम खान, हकीम साहब जी, आपके मुताबिक क्या हमें बेगम साहिबा को अकेली छोड़कर जाना मुनासिब है? हाँ हाँ अली जनाब, बेखौफ होकर जाइए, और फिर बेगम साहिबा की खिदमत के लिए हम सब तो हैं ही। शुक्रिया शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज। चलो आजम खान। अस्सलामु अलैकुम या निजामुल मुल्क साहब। वालेकुम अस्सलाम या हजरत अमीरे खजाना, आपके एलालत की खबर सुनी थी, अब कैसी तबीयत है जनाब की? अल्लाह का शुक्र है। सुना है कि आज का मुकदमा काफी हैरतअंगेज है। जी हाँ जनाब, हमने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि कोई गंवार नाखुदा किसी नौजवान परदेसी के कहने पर गा रहा था, जिसे शाही फरमान से गिरफ्तार कर लिया गया है। वही अजनबी नौजवान उस नाखुदा के लिए इंसाफ मांगने हाजिर हो रहा है। अरे वाह मियां, तब तो जल्दी चलिए, हालात बता रहे हैं कि आज की मजलिस का मंजर कयामत खेज होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस महफिल को सुरूर बख्शने वाली रकासा, हम तेरे दिलकश रक्स और तेरे फन से खुश होकर तुझे इनाम और इकराम से माला माल करते हैं। हां तो मियां तानसेन जी, आलमपना, आज मां बदौलत ने आपकी गुलूकारी में एक हैरत अंगेज तब्दीली महसूस की। हालांकि मामूल के मुताबिक वो वक्त
आपके रियाज का वक्त नहीं था। बेशक आलम पना, बेशक। उस समय हमारी रियाज करने की इच्छा भी नहीं थी, हम तो केवल ऊपर वाले से कुछ फरियाद करना चाहते थे। लेकिन जब हमें फरियाद के लिए कुछ शब्द ही नहीं सूझे, तो हम अपने शास्त्रों को लेकर उस ऊपर वाले की शरण में बैठ गए। और उस वक्त उन सात सुरों का जो भी स्वरूप हमसे उसके दरबार में बन सका, हमने उस रूप को राग दरबारी का नाम दे दिया है आलमपना। राग दरबारी, सुभान अल्लाह। मगर जिल्ले लाही, दुख तो इस बात का है कि जब हम इस राग की रचना में लीन थे, तभी बीच में किसी के गायन ने हमारी साधना में विघ्न डाल दिया। हमें इस बात का इल्म है, उस मकरू आवाज ने मां बदौलत के मिजाज में भी खलल पैदा कर दिया था, इसलिए हमने बताते खुद उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। मुलजिम को पेश किया जाए। पेशकारे अदालत, मुलजिम पर लगाए गए इल्जाम बा आवाजें बुलंद पढ़े जाए। बनाम शहंशाह हिंद, अदालत आलिया से दरख्वास्त है, मुद्दई सल्तनत हिंदुस्तान, वजारत उज़्मा के वजीर शोभा, कला संगीत रत्न संगीत सम्राट मियां तानसेन, बाख्ते आरे खुसूसी बदरिया शहंशाह हिंद, जिल्ले इलाही के शाही फरमान से वक्त रियाजे मौसिकी में खलल पैदा करने वाले को मुजरिम अजीम करार दिया जाएगा। फरमान को मद्देनजर रखते हुए मुद्दालय नाखुदा शमशेर सिंह ने जानबूझकर संगीत सम्राट तानसेन के रियाज में खलल पैदा किया, लिहाजा मुद्दई की गुजारिश है कि शाही फरमान की नाफरमानी करने के जुर्म में मुद्दालय शमशेर सिंह को सजा दी जाए। क्यों ना खुदा, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई आलमपना, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी गाना नहीं गाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम कबूल करते हो कि तुमसे नाफरमानी हुई है और नाफरमानी की सजा बरहक है, लिहाजा मां बदौलत सल्तनत हिंदुस्तान के शाही कानून के तहत तुम्हें मुजरिम करार देते हुए तुम्हें सजाए। ठहरिए आलमपना। जिल्ले लाही, जान के अमान के साथ एक दरखास्त पेश करना चाहता हूं। कहिए राजा बीरबल, आप क्या कहना चाहते हैं? नाचीज खुद कुछ नहीं कहना चाहता आलमपना, लेकिन हां, एक परदेसी जो आज इस रियासत में दाखिल हुआ है, आपसे एक फरियाद करना चाहता है। उसकी फरियाद इसी केवट और उसके गाने से संबंध रखती है। कौन है वो फरियादी? वो फरियादी मैं हूं आलमपना। कहो, क्या अर्ज करना चाहते हो? बस इतना आलमपना कि यदि संगीत से संगीत में विघ्न पड़ता है तो दोषी मैं हूं। यह बेचारा केवट तो मेरे ही कहने पे गा रहा था। तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हो? नहीं आलमपना, गाना कोई गुनाह तो नहीं। गुनाह है। शहंशाह मौसीकी मियां तानसेन के रियाज में खलल डालना जुर्म है, और यह शाही फरमान जारी किया जा चुका है। तो फिर आलमपना, आपका यह शाही फरमान आपके किले के पीछे बहने वाली जमुना नदी पर क्यों नहीं लागू होता, जिसकी लहरों की कल कल में संगीत है? आपके इस महल के पक्षियों परिंदों पर क्यों नहीं लागू होता, जिनकी चहचहाट में संगीत है? हवा की रवानी, बादल की गर्जन, वर्षा की बूंदे, संगीत तो कुदरत के कोने कोने में विद्यमान है आलमपना। यदि उससे संगीत सम्राट की साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ता, तो फिर यह शाही फरमान मजलूम इंसानों के लिए ही क्यों? और फिर आलमपना, जहां तक मैं समझता हूं, यदि गाने वाले का मन एकाग्र हो और वो अपने गायन में लीन हो, तो फिर धरती फटे या आसमान टूट कर गिरे,
कोई भी शोर उसे स्पर्श नहीं कर सकता। संपूर्ण एकाग्रता का अभाव ही बाधा का कारण बनता है जहां बना। नौजवान, निसंदेह संगीत कुदरत के गोशे गोशे में है, और संगीत के प्रति तुम्हारी दलीलों से प्रतीत होता है कि तुम्हें भी संगीत का ज्ञान है। संगीत सम्राट, आप तो भली भांति जानते हैं, संगीत वो अथाह सागर है जिसे कोई भी मनुष्य पूरी तरह नहीं पी सका। कोई उसमें से दो घूंट पीता है तो कोई चार। उसी प्रकार मैंने भी संगीत सागर से चंद कतरे ही ग्रहण किए हैं। तो तुमने उन चंद कतरों की बिना पर संगीत सम्राट तानसेन जैसे फनकार के फन को ललकारा है। नहीं आलमपना, मैंने किसी को ललकारा नहीं। मैंने तो सिर्फ अपना तर्क दिया है कि यदि गाने वाले का मन एकाग्र हो तो किसी दूसरे के गायन का उस पर कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। जहांपना, शहनशाह मौसकी मियां तानसेन जी की उपस्थिति में संगीत के बारे में इतनी बड़ी दलील देना यही सिद्ध करता है कि या तो यह युवक संगीत की बारीकियों को जानने वाला कोई महाज्ञानी है या फिर महामूर्ख। बेशक मां बदौलत इस नौजवान की दलील से मुतासिर तो जरूर हुए हैं, लेकिन नौजवान, यह दलील तुमने शहनशाह अकबर के दरबार में दी है, लिहाजा अब इसे तुम्हें साबित करना होगा। दावा तो नहीं करता आलमपना, लेकिन अपनी बात को साबित करने का प्रयास अवश्य करूंगा। कैसे? बहुत आसान है आलमपना। मेरी संगीत सम्राट तानसेन जी से गुजारिश है कि वह अपना वही राग दरबारी गाएं जिसका जिक्र उन्होंने अभी अभी दरबार में किया था। मैं कोई अन्य राग गाऊंगा, वही अपने राग में डूबा रहेगा जो एकाग्र होकर गा रहा होगा। वाह नौजवान वाह, तुम्हारा दावा सचमुच ही बड़ा रोचक है, और ऐसे दावों से अक्सर कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। आलमपना, यदि आपकी आज्ञा हो तो। इजाजत है। शुक्रिया आलमपना। प्रथम शब्द ओंकार, प्रथम शब्द ओंकार, वर्ण प्रथम आकार, प्रथम आकार प्रथम
शब्द ओंकार वर्ण प्रथम आकार प्रथम गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए प्रथम शब्द ओंकार। शब्द ओंकार वर्ण प्रथम आकार प्रथम गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए प्रणाम कर लीजिए प्रणाम कर लीजिए प्रथम शब्द ओंकार शब्द ओंकार प्रथम शब्द ओंकार। नौजवान, क्या हम भी तुम्हारी संगत में राग मालकौसी गाने लगे थे? जी हां संगीत सम्राट, आपकी शुरुआत तो राग दरबारी से हुई थी किंतु अंत में आप भी माल कौन सी गाने लगे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत क्या बात, बहुत अच्छा। शहंशाह मौसीकी, आज इस नौजवान ने आपको अपने रंग में रंग ही डाला। बस इसी मन की एकाग्रता की बात कर रहा था मैं आलमपना। नौजवान, तुम्हारे तर्क में सचमुच वास्तविकता है और एक बार हम तुम्हें अपने सीने से लगाकर इस सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहते हैं। नौजवान, तुमने वाकई अपना दावा सच साबित कर दिखाया। मां बदौलत ये जानना चाहते हैं कि तुमने संगीत की तालीम कहां से हासिल की। हुजूर, इस नौजवान के गाने का अंदाज ही बता रहा है कि इसकी शिक्षा भी हमारे गुरु घराने में हुई है। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है संगीत सम्राट। मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे पारंगत संगीतज्ञ का छोटा गुरु भाई हूं। मेरी संगीत साधना स्वामी गुरु हरिदास जी के चरणों में हुई है। बेशक, इतना माकूल शागिर्द उन्हीं का हो सकता है। अल्लाह के फजलो करम से कितना खुश नसीब है ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसकी सल्तनत में स्वामी हरिदास जैसे उस्ताद मौजूद हैं। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? जी यूं तो मेरा नाम बैजनाथ है, किंतु कुछ लोग मुझे बैजू बावरा के नाम से पुकारते हैं। बैजू बावरा, जो जी में आए मांग लो, फौरन अता किया जाएगा। आलमपना, मैं उस बेचारे केवट की मुक्ति चाहता हूं। वो तो जैसे ही तुमने अपना दावा साबित किया उसे मुक्ति मिल गई। सिपाहियों, केवट को रिहा कर दिया जाए। ओह,
का इकबाल बुलंद हो, बादशाह अकबर का इंसाफ अमर रहे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह अकबर का इंसाफ अमर रहे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह अकबर का इंसाफ अमर रहे। जिल्ले इलाही, आपकी खिदमत में एक इल्तिजा मेरी भी है। फरमाइए। आलमपना, संगीत किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत धरोहर नहीं हो सकता, इसलिए हमारे रियाज के समय संगीत पर लगा गया शाही कानून हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए। मंजूर है। शुक्रिया आलमपना। आज से हम अपनी रियाया को इस फरमान से आजाद करते हैं। जिल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, खुशी का पैगाम लाया हूं, तानसेन जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मियां तानसेन, आपको फर्जंद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। आज पैदा होने वाले मियां तानसेन के फर्जंद का नाम हम बिलास खान रखते हैं। बिलास खान।